हाय गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, तो अभी इवनिंग ही बोल सकते हैं। तो सुबह के हो रहे 11:35, 11:45 मान लो। और ये मैडम तैयार है इधर, ये और क्या लगेजेस। ये लगेजेस यार, इन सोफा को भी हमने बचने के लिए 20 दिन के लिए कुछ ना कुछ पहना दिया है। ये हमारा खाने का पिटारा, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप देखोगे आगे। ये सिल्वर वाला बैग है जो उलन से सीधा मनाली और उसके आगे जाके खुलेगा। ये मेरे व्लॉगिंग के छोटे मोटे सामान हैं और इसमें हमारे रेगुलर कपड़े हैं। और ये जो आप डफल बैग देख रहे हो ना, इसमें गाड़ी के सारे एसेसरीज हैं। एंड दिस इज मोस्टली द इलेक्ट्रॉनिक, लैपटॉप वगैरह एंड जितने भी पावर बैंक, मोबाइल चार्जर्स। और ये तो मैंने आपको दिखाई खाने का पिटारा। एंड दिस इज द मेडिकल बैग, तो शायद अगर कहीं जाना पड़े ये हम लोग बैग लेके जा सकते हैं। सब ये रिया ने पैक किया है। कितने का दवाई खरीदा है? 2000 रुपीज का। हाँ, और उसके बाद ऑक्सीजन भी गया है। ऑक्सीजन शायद हमने ट्रॉली में ही डाल दिया जो उलेंस वाले में है। हाँ, 12:01 हो गए। राइट, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड साकेत दिल्ली। हाँ, एंड जहाँ पे भी कल रिया को वर्क फ्रॉम होम करना है, तो जहाँ पे भी हम लोगों को देखेंगे कि 9 बजे के आसपास एक अच्छा होटल मिल गया, वी आर गोइंग टू चेक इन देयर। नाउ इट इज 12 एंड वी आर गोइंग टू ड्राइव फॉर 9 आवर्स। व्हाट वी गॉट इन इन्फॉर्मेशन इज कि सूरत एंड बड़ौदा के बीच में कुछ 10 किलोमीटर का रोड खराब है जो 1 घंटे लगता है। अब देखते हैं, अब लक अगर अपना साथ है तो चलिए आपको अपडेट करते रहेंगे। भाई, ऑफ रोडिंग तो यहाँ से फाउंटेन होटल से चालू हो गई। क्या रोड्स है, के बीच में ना मून लाइट बहुत ज्यादा लग रहा है। अच्छा, सो गाइस, हम अभी होटल सिटीजन से निकले हैं। दैट होटल वाज गुड एंड कॉमन टॉयलेट था, बट अच्छा वॉशरूम था एंड सर्विस अच्छा था। चाय बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने दो चाय और एक पानी का बोतल लिया। हाँ, तो 30-30 60 एंड पानी का बोतल 20-80 का मिल आया। राइट, ओवरऑल इट वाज अ गुड ब्रेक। रात को 2:15 रुके, बट वो प्लेस है ना, सेफ लग रही थी। एंड काफी लाइटिंग वाइटिंग थी वहाँ पे और ट्रक्स कम थे, तो वी थॉट कि वहाँ पे गाड़ियाँ ज्यादा थी, तो इसलिए हमने वहाँ पे स्टॉप लिया। एंड अच्छा था स्टॉप, थोड़ा सा हम लोगों को भी कंटिन्यू 2 घंटे से स्वयं गाड़ी चला रहे थे, तो और बारिश भी बीच बीच में हो रही थी। बारिश तो अभी भी हो रहा है, आगे दिखाओ ये एक बार। बट इतना अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन। बट जो भी बोलो, बारिश हो रहा है लेकिन जो ट्रैफिक है ना, वो मुझे दिन से तो कम ही मिल रहा है। आई एम एबल टू कवर बेटर। गूगल मैप में लोकेट किया था, एक अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया था जहाँ पे वो ऐसा बता रहा था कि 1.5 घंटे का ट्रैफिक है। तो अब देखते हैं आगे जाके पता चलेगा। जब हम लोग तो बड़ौदा तक पहुँचना एक टास्क है, फिर उसके बाद मुझे लगता नहीं कुछ डिफिकल्टी रहेगी अपने को। तो ये बने रहिए, आपको अपडेट करते रहते हैं। एक ट्रक पलट गई है, ये एग्जैक्टली दमन के पास है। बापरे, होपफुली कुछ नहीं हुआ हो। पुलिस वगैरह सब आ गए। क्या हुआ था, आदमी लटका हुआ है क्या? नहीं नहीं, आदमी लटका हुआ था तो वो इतने चिल्ला के नहीं खड़े रहते। आई थिंक देख रहा है वो अपना रूप वगैरह। हाँ, तो क्या होगा ना, ट्रक पलटा होगा वो, क्योंकि पॉट होल्स बहुत है इस रोड में। तो पॉट होल्स बचाने के चक्कर में, या फिर देखो डिवाइडर कट था ना रोड में, डिवाइडर आ गया होगा बीच में। एनीवेज ध्यान से चलाना चाहिए। चलो, एम्बुलेंस भी जा रहे है एक वैसे तो, आई डोंट नो। हाँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, एम्बुलेंस में अगर कुछ वहां से लेके जाते ना तो साइरन रहता। बज रहे हैं 4:30 और हम क्रॉस कर रहे हैं नवसारी। बट मुझे एक वॉशरूम नहीं मिल रहा है फिर से। अब बोलोगे मैं बार बार वॉशरूम के लिए क्यों रोता हूँ, क्योंकि मैं पानी बहुत पीता हूँ और हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो टोल पे टोल दिए जा रहे हैं और रास्ते इतने खराब है ना, क्या बोले आपको। ऐसे भी ये स्टेज आपको अच्छा दिख रहा है बट कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है नाइट में विजिबिलिटी ऐसे ही लो रहती है, बट यहाँ पे गड्ढे कभी भी आ जाते हैं। रिया बीच में खर्राटे मार के सो गई, सो के उठी थोड़ा सा। आधे घंटे मेरे को सिर्फ आग लगा, आधे घंटे।
बोल रहा हूँ कि अच्छे से सो लो। नहीं वो भी नहीं, जाग के बैठना है, बीच बीच में सोना है। तो तुमको गड्ढे कौन बताएगा बताओ? तुम गड्ढे बताओ कि मैं देखूंगा फिर उसको अवॉइड करूंगा। नवसारी क्रॉस करने के बाद, नवसारी के आउटस्कर्ट्स में और सूरत से पहले मैं ये एक नास करके कोई रोड साइड का ढाबा या रेस्टोरेंट बोल सकते हो, वहाँ पे रुका था। तो नास रेस्टोरेंट में है ना, मतलब उतना ज्यादा खास तो नहीं था, बट चाय पिया। तो यहाँ पे मुझे आगे रोड का पता चला कि रोड खास नहीं है, तो मैंने वो भैया से पूछा, उन्होंने मुझे बोला कि 3 किलोमीटर आगे पलासा से डाइवर्शन ले लो, बिकॉज सीधा का जो रोड है ना उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और मुझे शायद 15 या 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। बट जो वो ट्रैफिक है ना गूगल मैप में 2 घंटे का ट्रैफिक बता रहा था, एंड ऑल्टरनेट रूट से है ना 30 मिनट फास्टर था। तो वो बोल रहे हैं कि कभी 1 घंटा बताता है, कभी 2 घंटा, बट कोई गारंटी नहीं रहता है। सो यस, वी विल टेक ए डाइवर्शन एंड वी विल टेक दिस पलासा वाला रूट, क्योंकि आगे कोई ब्रिज टूट गई है। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे जो ब्रिजेस हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, ये इसका तीसरा ब्रिज पे हमको नीचे से टर्न लेना है राइट। तो हम सिटी के तरफ से होते हुए डाइवर्शन लेते हुए सूरत की ओर बढ़ेंगे। जब हमने वो डाइवर्शन ले लिया तो एक डाइवर्शन ये फ्लाईओवर के नीचे से बोल रहा था, नेक्स्ट डाइवर्शन आगे वाले फ्लाईओवर के नीचे से बोल रहा था। तो कुछ ट्रक ऊपर चढ़े हुए थे तो मैंने देखा फ्लाईओवर के ऊपर भी ट्रैफिक था, तो हमने सोचा कि नीचे वाला ही सही रहेगा। नाउ आई एम प्लानिंग टू फॉलो दिस बस, क्योंकि ये लोग देखो रूट में रेगुलर है, तो ये बंदा अगर जा रहे कहीं तो उसको मालूम ही होगा सही रास्ता या फास्टेस्ट रूट कौन सा है। देखो गाइस क्या ट्रैफिक है। हाँ स्वयं बेचारे को हेड्स अप टू स्वयं, पूरा रात चलाया गाड़ी लड़के ने। अभी भी रात ही है। अच्छा 5 बज गए सुबह के। हाँ अच्छा, ये जस्ट फ्लाईओवर हम लोग अवॉइड करके नीचे से आए तो दैट वाज फास्टर। ये देखो अब उल्टे तरफ से भी गाड़ी आ रही है। ये तो कॉमन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज वेरी नॉर्मल। नहीं ऐसा हो सकता है सर्विस रूट्स टू वे होते हैं रे। देखो बेचारे वेट कर रहे हैं। हाँ अच्छा वो हम लोग ऊपर से नहीं गए, मैं तो एचके वाले के पीछे लगा रहूंगा। गाड़ी का इंजन वगैरह बंद करके मैं सो गया था, फिर अचानक से रिया ने जगाया कि बस मूव हो रहा है, तो मैं फटाक से उठा और आगे बढ़ा। फिर रिया सो गई थी, फिर वो देखी कि गाड़ी आगे बढ़ रही है। बट ऐसे ही लग के पड़े हुए आप देख रहे हो, वो ऊपर का है मेन हाईवे और वो डाइवर्शन छोड़ के हमने नीचे ले लिया था। दोस्तों आपने देखा कि मैं फ्लाईओवर के नीचे था एंड एज पर गूगल मैप वहां से राइट जाना था, बट वहां पे लोकल्स ने गाइड किया लेफ्ट जाने के लिए पहले, और गूगल फिर से यू टर्न लेके मुझे उसी रोड पे डाल रहा था। फिर मैंने देखा कि एक रूट है जो थोड़ा सा लंबा है बट पूरा खाली है, सो वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू इन दिस रूट जो लोकल से हम लोगों को गाइड किया। तो अभी उस रोड में ही चल रहे हैं। मैप को जूम आउट करके तो लगा कि नहीं एक अच्छा डेस्टिनेशन निकल के आ जाएगा, तो देखते हैं अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटिंग भी चालू है। अच्छा लग रहा है ये रोड भी और खाली खाली भी है। अच्छा वो हम लोग इस टाइम पे आए, दिन पे मुझे पता नहीं कितना टाइम लगता, हमने जो डाइवर्शन लिया ना वहां तक पहुंचने के लिए भी अच्छा खासा टाइम लगता है दिन में। सो यस डिसीजन वेल टेकन, एंड बीच में जो वहां पे ट्रैफिक लगा ना उसमें थोड़ा सा सो भी लिए, तो दैट वे अपना ब्रेक तो लेना ही था, तो दोनों टाइम एक साथ यूटिलाइज हो गया। तो वो जो रोड था आपने देखा था, वहां से हम लोग बारदोली सिटी के अंदर शायद आ गए। ये BRTS की मेरे राइट साइड में जो लेन बनी हुई है ना, दैट इज ओनली फॉर BRTS बसेस। तो अच्छा हुआ हमने ये टाइम पे क्रॉस किया, क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पे सिटी ट्रैफिक शुरू हो रहा है, दूध वाले भैया लोग सब निकल रहे थे। यहाँ पे एक ITM कॉलेज भी है, नई मुंबई में भी है ना ITM नई मुंबई, उसी का ब्रांच लग रहा है, ज्योति हॉस्पिटल। तो अच्छा टाउन है बट इसकी सड़कें अच्छी नहीं। नेशनल हाईवे 48 एंड नेशनल हाईवे, हाँ एक्सेप्ट करो जो भी फास्टर रूट मिलता है एक्सेप्ट करो। ये देखो पर्वत गांव वाला देख क्या ब्रेकर द पैलेस। नहीं यहाँ पे लोग बहुत गंदा चला रहे हैं। अभी हम लोग नाश्ते के लिए थोड़ा सा रुके थे सूरत के आउटस्कर्ट्स में, तो हमने पराठा घर से लाया था वही खाया, बट हमने अभी तक चाय नहीं पिया सुबह का। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार बड़ौदा निकल जाए सीधा, वो जो ट्रैफिक का जो 2 घंटे का स्ट्रेच था ना उसने पूरा अपना प्लान इधर का उधर कर दिया। तो अभी हम लोग अभी करीब 15 किलोमीटर दूर है अंकलेश्वर से, उसके जस्ट आगे ही भारूच आता है एंड देन
भरूच के बाद कुछ देर चलते बड़ौदा आता है। यहाँ के रोड बहुत ही खराब है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो कोई एंगल से नहीं है ये, इससे तो अपना मुंबई का रोड अच्छा है गड्ढों के साथ। हम लोग दिल्ली सिक्स का गाना सुनना शुरू कर दिए क्योंकि दिल्ली तो आ ही नहीं रही है। तो हम भरूच का क्रॉस कर लिए कुछ देर पहले, अरे ये भी ट्रक है। तो अभी हम लोग कहीं वडोदरा के पास है, वडोदरा करीब पौन घंटा बता रहे हैं यहाँ से। ये महल टाइप का अच्छा लग रहा है, कोई रिसोर्ट है क्या? नहीं रे कोई, हाँ ऐसा कुछ तो मंदिर जैसा लग रहा है। मंदिर इतना बड़ा हो सकता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस बिकॉज वी आर ड्राइविंग ऑन दिस हाईवे फॉर द फर्स्ट टाइम। गुजरात के जो सड़कों में के बाजू में जो ग्रासेस है वो और महाराष्ट्र वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, पता नहीं है, मुझे थोड़ा सा फेडेड जैसा लग रहा है। मतलब मॉनसून है, कोस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब महाराष्ट्र गुजरात आर शेयरिंग देयर बॉर्डर्स, बट हाउएवर जो महाराष्ट्र में जो ग्रीनरी है वो चार्म यहाँ पे मुझे कहीं मिसिंग लग रहा है। हमने अभी तक पेट्रोल नहीं भराया, हम लोग मुंबई से फुल टैंक करके निकले थे, तो वी हैव जस्ट चेक प्राइसेस ऑनलाइन। गुजरात में पेट्रोल 96 कुछ है, और देयर इज अ क्रैश ऑन नेशनल हाईवे 48 दैट इज कॉजिंग अ डिले, यू कैन अवॉइड इट बाय गोइंग बाय नेशनल हाईवे 48 नेशनल हाईवे 64 व्हिच सेव्स 6 मिनट्स। नो वी विल नॉट सेव 6 मिनट्स गूगल, नो थैंक्स। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि गुजरात में करीब 96 का पेट्रोल है एंड राजस्थान में 108 का पेट्रोल है। तो व्हाट योर प्लानिंग इज कि गोधरा या फिर मोडोसा या माडोसा करके कोई एक जगह है, माडोसा इज द लास्ट बिग टाउन ऑफ गुजरात, तो वहां पे हम लोग एक बार रिफुएल कर लेंगे। अगर हमने 30 लीटर भी पेट्रोल भरा तो 12 रुपए अगर सस्ता है तो 360 रुपीज का सेविंग हो जाएगा। बहुत टायर्ड हो गया हूँ, इतना ट्रैफिक आप देखो यहाँ से वहां तक, और इधर देखो आप +28। ये हम लोग अभी तक ये कौन सी जगह जाने वाले थे, बड़ौदा घुस ही नहीं पाए। सुनने में आया था कि बड़ौदा के आगे 6 लेन है, बट बड़ौदा तो जाए पहले। देखो 1300 किलोमीटर 1376 में हमने स्टार्ट किया था, सिर्फ 350 किलोमीटर ही चले हैं। तो हमको लगा रक्षाबंधन में लोग घर पे रहेंगे, रक्षाबंधन के बाद वाले दिन रेस्ट करेंगे तो ट्रैफिक कम होगा। और हम आज निकले वीकडे में वर्किंग डे में, बट ट्रक्स का ट्रैफिक ज्यादा है। आप देखो यहाँ पे क्रैश था, इसको पीछे से किसी ने ठोका था, फिर आगे ये क्रेन से हटा रहे, तो इसी के वजह से हम लोगों को इतना लेट हो गया। इधर आधा घंटा से ज्यादा लगा, बट यहाँ पे पुलिस और ये लगे हुए इसको क्लियरेंस के लिए, बट होपफुली अब तो निकल जाए। अब क्यों लग गया जाम, शायद अब आगे रास्ता थोड़ा सा खराब होगा। अभी हम लोग मैकडी में आए थे फॉर सम ब्रेकफास्ट एंड नाउ वी हैव अ ड्राइवर चेंज। रिया इज ऑन द सीट। हाय रिया। Hi. All set? Yes. चलो लेट्स गो अहेड। वी आर इन टू द रोड अगेन और रिया अभी बहुत मस्त ड्राइव कर रही है। थैंक यू। एंड शी इज क्रूजिंग एट अराउंड 60-67। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बड़ौदा से, हम लोग बड़ौदा से निकल गए, एक्चुअली बड़ौदा सिटी में ही है, इसके आउटस्कर्ट से चल रहे हैं। हाँ तो अभी हम लोग हलोल वडोदरा रोड में है, तो अभी हम लोग जहाँ तक खींच सकते हैं ना जाएंगे, बट वी आर प्लानिंग टू एटलीस्ट क्रॉस गुजरात टुडे, है ना। हम लोग को गुजरात में नहीं रहना है, गुजरात का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है अपना। टुवर्ड्स हलोल वी हैव जस्ट टर्न्ड एंड ये वाला शॉर्टेस्ट रूट बता रहा था, दैट इज द रीजन वी हैव मूव दिस साइड। वी आर इन SH-87 स्टेट हाईवे 87 एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स हलोल बाईपास विच इज मोर 26 किलोमीटर, और आराम से चल रहे हैं। रोड ग्रीन है, थोड़े बहुत पॉट होल्स है बट दोज आर मैनेजेबल एंड इट इज अ टोल फ्री रोड, सो ठीक है, उनको पॉट होल्स माफ है, बिकॉज टोल वाले रोड में हम लोग इतने पॉटल्स मिले, अब हम लोग इतने से ही में खुश है। यहाँ क्या हो गया, ये बस के लिए रुके हैं। रोड तो ऐसा ही चल रहा है, अभी हम लोग टुवर्ड्स हलोल बाईपास लेफ्ट लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैडम ने बस ट्रक वाला लेन ले लिया, कार ऑटो वाला लेन नहीं लिया। मैडम ऐसा क्यों किया, पैसे बढ़ने पड़ेंगे। ये लेफ्ट में है हलोल बाईपास, रोड का हालत ऐसा ही है ना पूरा, तो यहाँ हम लोग घूम गए हैं लेफ्ट
And what I can see, Godhra is more 45 kilometers, welcomes you on toll road. Shamlaji is 175 kilometers more from here.